ओम शांति। 3 अगस्त 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न, ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवज वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थात देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी प्रकार ही सुधामा का मिसाल है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाएं, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वाग की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरणी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। उन आत्माओं का कदम धरणी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। ओम शांति।